डियर, आप लोग देख सकते हैं ये जो फसल है, ये जो क्रॉप है सनफ्लावर है, इसको हिंदी में कुसुम बोलते हैं, करड़ी बोलते हैं और बर्रे के नाम से भी यूपी बिहार में फेमस है ये। ये फसल जो है इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, मतलब कोई भी जानवर, नीलगाय हो या कोई भी जानवर हो, इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि इसमें स्पाइक्स होते हैं। और इसे मतलब कल्टीवेट करना और मैनेज करना भी बहुत ही थोड़ा हार्ड है, इसका क्रॉप ड्यूरेशन भी बहुत लंबा होता है। आप लोग देख सकते हैं ये अभी फ़िलहाल में जो ये सामने दिखाई दे रहा है, ये सब हम अभी कुटाई करके इसको रखे हैं ताकि बाद में विनोइंग करके सेपरेट कर देंगे ग्रेन को। इसी क्रॉप के ऊपर मेरा थीसिस वर्क चल रहा है अभी फ़िलहाल में, और मैं जो इस क्रॉप को लगाया था 3 रेप्लिकेशन में 12 ट्रीटमेंट थे टोटल, 36 प्लॉट में 4 वेराइटी अलग अलग लगाए हैं, और कम्बाइनेशन में था आपको FYM था, वार्मी कंपोस्ट था और पोल्ट्री मैन्यूर था। फैक्टोरियल RBD के थ्रू ये जो क्रॉप है हम लगा रखे हैं अभी फ़िलहाल में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के ऑर्गेनिक फॉर्म पे। देख सकते हैं इसमें कुछ वैरायटी ऐसे भी हैं जो कि नॉन स्पाइक्स हैं, बिना कांटे के हैं, और कुछ ऐसे भी वैरायटी हैं जो कि कांटेदार हैं जिनमें कांटे हैं। आपको मतलब जितने भी शुरू के टाइम में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस क्रॉप को ग्रो करने में इजी वे में ग्रो हो जाएगा। थोड़ा पानी वगैरह देना होगा टाइम से और लैंड प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा करना होता है, सोइंग डेप्थ वगैरह का ध्यान रखना होता है इस क्रॉप को ग्रो करने में। बाकी जो है आपको 60 या 90 डेज के आसपास में इसमें एक स्पाइक्स आ जाते हैं, उसकी वजह से आपको कोई भी मतलब पानी देना हो या डाटा वगैरह लेना हो उस समय आपको स्पाइक्स जो है मतलब चुभेंगे ऑटोमेटिक कहीं भी टच होंगे। तो देख सकते हैं आप ये उसका बचा हुआ जो भी रेसिड्यू निकल रहे हैं कटाई के बाद, यहाँ इकट्ठा करते जा रहे हैं, यहीं इकट्ठा करके ढेर लगा रहे हैं, बाद में इसको हम देखेंगे किसी को चुभे ना, इसकी वजह से वन कर देंगे ताकि ना रहेगा ना चुभेगा किसी इंसान को। और बाकी का और जो बाकी का क्रॉप रेसिड्यूज हैं जैसे कि उसके डंठल वगैरह होते हैं पौधे के, वो सब मैं यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। टोटल आपको बता रहे हैं तीनों रेप्लिकेशन के, केवल सिंगल प्लॉट को छोड़ के सिंगल एक प्लॉट का था जो कि उधर टीन सेट के सामने उधर लगा दिए थे, नहीं तो बाकी सारे रेप्लिकेशन में जितने भी प्लॉट हैं यानी आपको बता सकते हैं कि 35 प्लॉट के ये मतलब जो पौधे के रेसिड्यूज हैं यहाँ इकट्ठा कर रखे हैं। हो सके तो इसे भी बंद कर देंगे क्योंकि इसमें स्पाइक्स है ना, कोई भी इंसान संपर्क में आएगा तो वो चुभेगा उसको। ये देखिए चाहिए समरसेबल है जिससे हम लोग पानी वानी पीते हैं फॉर्म पे, बाकी और भी समरसेबल हैं जो कि इधर सामने उधर बोरवेल दिखाई देगा आपको, जिससे मतलब पूरे पूरे फॉर्म पे पाइपलाइन बिछा हुआ है, पानी वगैरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। वो जो बड़ा वाला टीन सेट आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे मतलब जितने भी इक्विपमेंट वगैरह होते हैं फॉर्म के वो रखे जाते हैं, बाकी जो सारे एरिया हैं इसमें आपको सारे एरिया में थीसिस वगैरह का काम चलता है। जब हम थीसिस लगाते हैं उनके साथ ही रहते हैं, थीसिस लगाते हैं और लगा के पानी वगैरह देते हैं और कंप्लीट करते हैं। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितने भी नर्सरीज वगैरह होती हैं यहीं लगाया जाता है फॉर्म पे।
ये ट्रांसफार्मर है जो कि लाइट सप्लाई करने का काम करता है अपने फॉर्म पे। ये देखिए आपको फॉर्म में वर्मी कंपोस्ट यूनिट है जिसमें कंपोस्ट तैयार किया जाता है। यहीं से मतलब फॉर्म पे वर्मी का जो भी आवश्यकता होता है, जो भी नीड होता है बच्चों को, वो सर लोग प्रोवाइड करवाते हैं। कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो पैसा पेड करना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि इसमें लेबर वगैरह के खर्च आते हैं, लीफ वगैरह इकट्ठा करना होता है, भरना होता है इसमें। इसकी वजह से सर की भी तो मजबूरी होती है लेना पैसा। वही मेरा प्लॉट था सामने वाला उधर, पिछले वीडियो में भी हम प्लॉट आप लोग को दिखाए थे। यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का जो ऑर्गेनिक फॉर्म है, यहाँ का सॉयल जो है फर्टाइल नहीं है उतना, क्योंकि टोटल ये जो एरिया है ना, आपको बता रहा हूँ, माउंटेन से अटैच में है। इसकी वजह से यहाँ पत्थर वगैरह और इन सब क्या बोले जाते हैं, टूटे हुए पत्थर का पार्ट मिलते हैं अच्छा खासा। ये तो बहुत मेहनत करके मतलब सर लोग JCB चलवा के लेवल करा के तो बनवाए हैं ये लोग फॉर्म को इस तरह से। कोशिश कर रहे लोग ताकि भविष्य में फ्यूचर में अच्छा ये डेवलप हो सके फॉर्म को। सर लोग का तो अभी फ़िलहाल में तो यहीं अफोर्ड लगा रहे हैं लोग, JCB चलती हैं हज़ार हज़ार घंटे जाके फिर लेवल ओवल कराते हैं सर लोग, तब जाके ये अभी कुछ अच्छा दिख रहा नहीं। पहले तो इससे भी बेकार कंडीशन था फॉर्म का। एक और फॉर्म है केमिकल फॉर्म जो कि माउंटेन उस साइड है, यूनिवर्सिटी कैंपस से अटैच है, वो केमिकल फॉर्म है। यहाँ फुली ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक फॉर्म है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का। ये अभी इसमें बच्चे स्ट्रॉ वगैरह ये रखे थे अपना मतलब मशरूम कल्टीवेशन के लिए, यहाँ निकाल के रखे हुए हैं सब।